इनफैक्ट एक पिक्चर जिसमें आपको एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है वली मलिक वो एक ढेर मेडल्स का पहने आपको नजर आते हैं 29 मेडल्स इंक्लूडिंग 27 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स एमबीबीएस के स्टूडेंट जिन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शंस ली और कमाल कर दिया। लोगों ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया इनकी सलाहियतों को डिस्पाइट ऑल ऑफ द ट्रबल्स दैट ही हैड इन हिज करियर। बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। मेरा आपसे पहला सवाल है वली, वेलकम के साथ कैसे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत की और ये फल जो है मुझे मिला है ये मुझे नहीं मिला, इसके पीछे बहुत से लोग शामिल हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और मेरे कॉलेज से मुंसलिक जो भी तमाम असातिज़ा कराम हैं। अमीर उद्दीन मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ उसको एक ऑनर देना, क्योंकि आपको पता ही है कुछ लोगों को अमीर उद्दीन का पता भी नहीं है, ठीक, तो उसके लिए एक नाम एक जो फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि मैं जबरदस्त। अच्छा वैसे तो हमें पता है जो लोग एमबीबीएस कर रहे होते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने वाला बंदा ही एमबीबीएस कर सकता है मुझे लगता है, उसके अंदर भी इतने सारे मेडल्स लेना ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो आपको होगा, लेकिन स्टिल कैसे किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर जिनका आपका इंटरेस्ट था उसमें आपको ये मेडल्स मिले और इतने सारे मिले? स्टार्ट में जो है वो मुझे काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइक स्टेप बाई स्टेप इंसान जो है वो कोशिश करता है कि बिल्डअप करे। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी स्टार्ट में कि मैं ये कर सकूँगा, लेकिन एक फ्लो बन गया। उसके बाद फिर मेरी हर सब्जेक्ट में कोशिश होती थी कि मैं हाईएस्ट मार्क्स लूँ और पोजीशन हासिल करूँ। तो कितना टाइम पढ़ते हैं आप ये बताएं, दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं? एंड पे जो आखिरी टाइम्स होते थे उसके अंदर तो 12 टू 16 आवर्स भी हमें करना पड़ता था और नींद जो होती थी वो 2-3 घंटे की होती थी। गुड, यू कैन सी दैट हार्ड वर्क, आप देख रहे हैं ढेर है मेडल्स का, लोग एक लेने के लिए जिंदगी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, ग्रेट वर्क, नो डाउट। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सारे डिजर्व करते हैं कि उनको बहुत आज उनकी तारीफ की जाए। उम्मीद तौर पर पाकिस्तान में लोग नेगेटिव चीजों की वजह से वायरल होते हैं सोशल पे, कोई नेगेटिव चीज आती है बहुत कम लोग हैं जिनकी ऐसी पिक्चर वायरल होती है कि दे हैव अचीव्ड समथिंग, यू वन ऑफ देम। कैसा फील हो रहा है कल से तो सोशल पे हमें आप ही नजर आ रहे हैं और आपके मेडल्स? बहुत प्राउड फील करूँ मैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज को जो है वो हम प्रमोट कर रहे हैं, एक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और ये जरूरत है अलमिया पाकिस्तान का कि हम जो है किसी मुख्तलिफ डगर पे लग गए हैं, जबकि हमारी मुख्तलिफ जो कौम है, इंडिया है, बाकी एशियन कंट्रीज हैं, वो प्रमोट करें अपनी एजुकेशन को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें और उस पर मनी सर्व की जाए, हुकूमत पाकिस्तान भी इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही हमारे जो है आउटकम इसी से ही बनेगा। तो वलीद आगे क्या प्लान है, क्या करना है, पाकिस्तान में ही पढ़ना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है, वहाँ पे कुछ सोचा है अपने आगे फर्दर करियर को लेकर? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हालात जो है वो इतने साजगार नहीं है। बीमार तो बहुत है पाकिस्तान में, डॉक्टर्स की तो बड़ी बीमार है और डॉक्टर्स भी बीमार हैं उसके साथ ही कहना पड़ता है, तो उनके लिए कुछ जब कुछ नहीं किया जा रहा। आप लोग भी देख रहे होंगे कि 4000 डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 सीट्स के लिए, तो जब भी हालात होंगे तो डॉक्टर्स को मूव फॉरवर्ड करना होगा इन अब्रॉड। ऐसे आप जैसे स्टूडेंट्स को फेलो स्टूडेंट्स बुली भी बहुत करते हैं, किताबी कीड़ा है, पढ़ता रहता है, इससे पूछ लो, इसको पता होगा, वो तंग कर रहे होते हैं। आपने इन चीजों को कैसे लिया, इनकरेज करती थी, कभी भी तंग भी होते थे यार अच्छा नहीं मुझे भी थोड़ा, मैं भी थोड़ी पार्टी कर लूं हर वक्त? स्टार्ट में तो आदत हो गई थी, स्टार्ट में बंदा थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो मुझे इस मजाक के अंदर ही मोटिवेट करते थे और उनका बहुत बड़ा पार्ट। कल फिर सेल्फियां ले रहे होंगे ना आपके साथ? अच्छा ये बताएं वलीद, फैमिली के अंदर ना जब कोई एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा होता है तो बाकी कजिन या रिश्तेदार भी कह रहे होते हैं कि वो देखो वलीद एमबीबीएस कर रहा है, इतने मेडल्स ले रहा है, बहन भाई भी सारे अम्मी अबू उनको कह रहे होते हैं देखो कितना पढ़ता है, तो आपने तो उनके लिए एक बार सेट कर दी है घर, बाकी बहन भाई तंग होते हैं कि तुम इतना पढ़ते हो, हमें भी अम्मी अबू यही कहते हैं? नहीं, एक टाइम आया था कि अम्मी मेरे से किताबें छीने लगी थी और कहने लगी थी कुछ और भी पढ़ना है, कुछ ना कुछ और करो, हमारे साथ बाहर चलो और पढ़ना नहीं है। लेकिन एक एम जब बन जाए इंसान का तो फिर इंसान के एक डगर पे लग जाता है तो इंसान का फोकस वही हो जाता है। बहुत सारे लोग तो हैं वो वैसे ही डॉक्टर, अबू की ख्वाहिश है बेटी डॉक्टर बन जाए, लेकिन इट्स अ कॉज, इट्स अ पैशन, उसके बगैर नहीं होता है। आप चूंकि माशाल्लाह एक कामयाबी आपको मिली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई बिलीव, अभी आपने बहुत आगे जाना है, क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वसाइल कम है उनके पास, आप भी शायद ऐसी किसी मुश्किल से गुजरे हो, कुछ मशवरा आप देना चाहेंगे? मेरा मशवरा पेरेंट्स को स्पेसिफिकली ये है कि अपने बच्चों को अपने अंदाज में मोड़ना करें, वो जिस तरह चाहते हैं जिस फील्ड में जाना चाहते हैं एटलीस्ट उनको गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, और एमबीबीएस इज नॉट द एंड। अफसोस के साथ ये बात है कि हमारे माँ बाप ने मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वही कहते हैं कि आइदर इंजीनियर और डॉक्टर, तो माशाल्लाह काफी फील्ड्स आ गई हैं, तो इन सब में हमें जाना है, इन सब को प्रमोट करना है। यानी बहुत सारी फील्ड्स हैं, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो जो भी फील्ड चूज करना चाहते हैं वो करें। थैंक यू वेरी मच वलीद, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे और इतने सारे मेडल्स देख के वैसे ही बंदा खुश हो रहा है। एक नहीं लिया, बहुत ही एहसास हो रहा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर।